ओके सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सोलो लेवलिंग। आज की सुबह मेरी बहुत ज़्यादा बेकार हुई बिकॉज स्पेशली मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता अगर मैं सुबह किसी से नॉर्मली बात भी करता हूँ उठने के बाद। बट क्या हुआ, मेरा फ़ोन यूजुअली मेरे पिल्लो के नीचे होता है, अंडर द पिल्लो। सो पता नहीं क्या रात में हुआ, मैं रोल ऑन हुआ या क्या, मेरा फ़ोन मेरे पिल्लो के बाजू में आ गया एंड मैं थोड़ा बाजू में सोया था। और जैसे ही वो उससे मेन मोमेंट रहता ना ड्रीम का, मेरा वो चल रहा था और ज़ोर से अलार्म बजा। मेरा अब तक सर दुख रहा है उसके वजह से। बट या हम क्लास के लिए निकलते हैं अभी, इट इज़ अराउंड 8:15 एंड मेरे को ये टाइम पे निकलना पड़ेगा वरना मैं बहुत लेट हो जाऊँगा। सो मैं मिलता हूँ आपको क्लास से आने के बाद घर पे। लेट्स गो। कोई टाइम पास की बातें करने का टाइम नहीं है बिकॉज इट्स ऑलरेडी 4:50 PM एंड मुझे जल्द से जल्द जिम पहुँचना है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और फिर यू नो क्या होता है। सो आई विल मीट यू गाइस इन द जिम। लेट्स गो। सो बैग स्टार्ट करने से पहले मैं ये सब बता देता हूँ मैं क्या क्या करने वाला हूँ क्योंकि भीड़ आज बहुत ज़्यादा है और मैं लेट हो गया आने में। तो इसके ये वाले लैट पुल डाउन के 2 सेट, अल्टरनेट लैट पुल डाउन मारूंगा, बारबेल रोज मारूंगा, केबल रोज मारूंगा एंड देन लास्ट में लैट पुल ओवर के 3 सेट मार के बैक वर्कआउट खत्म। भीड़ बहुत ज़्यादा है तो मेरे को जल्दी जल्दी वर्कआउट करके बस निकलना है। लेट्स गो। तो यार मैंने आजकल सुपर सेट्स मारने बहुत स्टार्ट किए क्योंकि आई फील लाइक जो इंटेंसिटी मिसिंग मेरे ट्रेनिंग में लग रही थी दैट इज़ फुली कंप्लीटेड नाउ। आई एम फाइनली एक्साइटेड टू ट्रेन बिफोर आई गो टू द जिम। पहले मेरे को खुद को पुश करना पड़ता था, जिम चले जा फॉर सम टाइम ऑफ स्पैन। जब आप एक बहुत लंबे टाइम के लिए एक ही मेथड फॉलो करते हो तो आई थिंक सो वो बहुत बोरिंग हो जाता है एक टाइम के बाद। योर बॉडी अडेप्ट टू द मूवमेंट्स। सो अगर आप इंटेंसली ट्रेन नहीं कर रहे हो क्या कर रहे हो यार, आप क्या फ़ायदा क्या फिर। ट्रेन एज हार्ड एज यू कैन, रिजल्ट फिर खुद पीछे भागते आएंगे। अगर मैं नॉर्मली ऐसे ही फेलियर के 5 स्टेप पहले रुक जाऊँगा फ़ायदा क्या फिर वो ट्रेन करके, ना मेरे मसल को इनफ स्टिमुलस मिलेगा, नॉर विल आई बी हैप्पी आफ्टर द जिम। क्या सोचूंगा मैं, ओ आई गॉट 5 रेप्स बट मैं फिर छोड़ के आ गया वापस। ट्रेन इंटेंसली, वन मोर सेट यार एंड विल बी ऑफ। ऑलराइट बॉयज, सो जो नेक्स्ट सेक्शन है वीडियो का उसमें इंटरनल ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुई बिकॉज माई माइक ब्रोक ऑफ, द स्प्लिटर ऑफ माई फोन ब्रोक ऑफ। सो आगे की वीडियो में मैं आपको कॉमेंट्री करके बता दूंगा कि कैसे हमने क्या क्या किया है। सो लैट पुल डाउन के बाद हमने बारबेल रोज के 3 ओवरऑल सेट्स लगाए, दिस इज़ द फर्स्ट वन एंड दूसरा कोई एंगल मुझे समझ नहीं आ रहा था। सो यस, दिस इज़ द ओनली वन आई रिकॉर्डेड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, मैंने अगले रोइंग मूवमेंट के लिए केबल रोज किए। केबल रोज के मैंने 2 ओवरऑल ऑल आउट सेट्स लगाए, दोनों सेट्स हमने फुल स्टैक पे मारे। फर्स्ट स्टेप्स में वी गॉट 13 रेप्स, सेकेंड सेट में वी गॉट 12 अराउंड रेप्स। दिस वॉज अ टोटल सक्सेस। सो बैक डे ख़त्म करने के लिए हमने एक लास्ट में 3 सेट लैट पुल ओवर के मारे। ये मशीन मुझे आजकल बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है,
बिकॉज द बॉटम पोजिशन पे जो स्ट्रेच मिलता है वो मेरे को केबल लैट पुल ओवर में कभी नहीं मिलता. तो लेट्स कम्प्लीट दिस सेट एंड गो चेक द पम्प. लेट्स गो. सो मुझे नहीं पता कि आपको मेरी आवाज़ ढंग से आ रही है या नहीं आ रही है, बट सीन ये हुआ कि जिम में रिकॉर्ड करते वक्त जब मैं केबल रोज मारने गया तब मैंने देखा जो मेरा आईफोन टू माइक्रोफोन का स्प्लिटर था वो टू पार्ट्स में टूट गया था. आई डोंट नो वो कैसे हुआ, कि किसी ने वेट गिरा दिया या मेरी गलती से टूटा, आई हैव नो क्लू. बट जैसे ही मैंने वहाँ पे देखा मुझे लगा अरे अब आगे का मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता, इसलिए मैंने आगे म्यूज़िक डाला होगा या वॉइस ओवर किया होगा, आई डोंट नो. बट यार जब तक मैं दूसरा ख़रीदता नहीं, विच इज़ गोइंग टू बी आई गेस कॉस्टली, बट जब तक मैं वो ख़रीदता नहीं तब तक मेरे को या तो वॉइस ओवर करना पड़ेगा या तो मुझे म्यूज़िक डालना पड़ेगा या फिर मेरे को मेरे वर्कआउट का मोन्टाज बना के डालना पड़ेगा. सो येस, दैट इज़ द मेन रीज़न कि आज की वीडियो थोड़ी शॉर्ट होगी. बट यार आई विल मीट यू गाइज लेटर इन द क्लिप. सो ऑनेस्टली यार ये माइक की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग है, बिकॉज अभी मैंने एक अपना क्विक एंड ईजी स्टडी सेशन लगाया एंड आई वॉज जस्ट सर्फिंग थ्रू इंटरनेट फाइंडिंग सॉन्ग्स, एंड इनफैक्ट ऑलमोस्ट सारे सॉन्ग्स कॉपी राइटेड है. एंड आई डोंट नो अगर मैं सारे कॉपी राइटेड सॉन्ग यूज़ करूँगा तो आगे क्लेम के अलावा क्या क्या हो सकता है, इसलिए आई डोंट वॉन्ट एनी रिस्क. बट यार दैट इज़ इट. अगर आपके पास कोई अच्छे गाने होंगे जो कॉपी राइटेड नहीं है प्लीज़ डू कमेंट डाउन. तो मैं थोड़ा काम करने के बाद आपको फिर से मिलता हूँ. बाय बाय. मैंने अपने पोस्ट वर्कआउट मील के लिए लिया है 100 grams ऑफ राइस एंड 100 grams ऑफ पनीर. आई नो ये काफ़ी छोटा मील है बट कंसिडरिंग माई कटिंग जो मेरा डाइट प्लान है उसके हिसाब से वेजिटेरियन डेज आर वेरी हार्ड, क्योंकि वेजिटेरियन मील्स में हमेशा काब्ज आ जाते हैं. अगर इफ़ आई कंसिडर एनी थिंग एक्सेप्ट पनीर, सब में काब्ज आ जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल सोयाबीन में काब्ज, दाल में काब्ज एंड मूंग एंड वॉट एवर दैट इज, सब में काब्ज आते हैं. बेसन में भी काब्ज आ जाता है. सो इफ़ यू आर अ ह्यूमन हु ईट्स वेजिटेरियन फूड एंड इज इन टू बॉडी बिल्डिंग एंड यू ईट पनीर एवरी डे, मैंने सल्यूट टू यू. अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं बिल्कुल नहीं कर पाता, बिकॉज ईटिंग पनीर इज़ एस बकवास. एंड येस, सो एक अगले वीडियो में मैं फुल डे ऑफ ईटिंग शॉर्टली डालूंगा जिसमें मैं अपना नॉन वेज डे का बताऊंगा. एक हाई कार्ब डे का फुल डे ऑफ ईटिंग डालूंगा और एक लो कार्ब डे का फुल डे ऑफ ईटिंग डालूंगा, ताकि आप लोगों को आइडिया लग जाए. और मैं ये भी बताऊंगा कि ये सब साइकिलिंग कैसे करनी होती है. सो येस, एंड अगर आपका मेटाबॉलिज्म मेरे जैसा है जो एक हार्ट स्टक जगह पे अटक जाता है एंड फिर उसके आगे कोई प्रोग्रेस नहीं होती, यू कैन डेफिनेटली फॉलो दिस बिकॉज दिस इज़ वे बेनिफिशियल देन आई थॉट इट वॉज. मेरे को भी पहले लगता था अरे कार्ब्स बंद करके मैं नहीं खा पाऊंगा, मेरा हेडेक होगा या एनर्जी नहीं होगी, बट इट ऑल कम्स डाउन टू योर माइंड सेट. इट ऑल कम्स डाउन टू हाउ बैडली यू वॉन्ट इट. सो आई गेस येस, दैट इज़ इट. दैट इज़ इट फॉर द वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो, दिल से अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करो. मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए adios.